ग्रेट गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स, मैं सुमित कुमार सिंह, आप तमाम यूपीएससी एस्पिरेंट्स या अन्य कोई कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का इस मगध पुत्र ड्रीम आईएएस यूट्यूब चैनल में अभिनंदन करता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा आप लोगों को मालूम है कि हम लोग 10 क्वेश्चंस डेली देख रहे हैं 2018 यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का और जीएस पेपर वन का। मतलब जीएस पेपर वन का इसलिए देखते हैं क्योंकि जीएस पेपर जो टू है वो सीसैट का पेपर है, वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, उसका जो है कट ऑफ से कोई लेना देना नहीं, बस उसमें क्वालिफाई कर रहे हैं। बट जो हमारा कट ऑफ निकलता है मेंस के लिए वो जीएस वन से निकलता है, तो उसी में हम लोग यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन प्रारंभिक परीक्षा 2019 का हम लोगों ने क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। 2018 का जो है विगत जो है 10-10 क्वेश्चन करके दो वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 30 तक, आज भी हम लोग 10 जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आओ अभ्यास करें मिलकर, जिससे कि है कि हम 10-10 क्वेश्चंस को ही इजी वे में सॉल्व करते जाएंगे, जिससे कि हमें समझने में आसानी भी होगा, बोरियत भी महसूस नहीं होगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं और उसके बाद चार ऑप्शन, ऑप्शन तो चार ही रहते हैं सबको मालूम है। पहले हम लोग स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। एज पर द राइट टू एजुकेशन एक्ट, to be eligible for appointment as a teacher in a state, a person would require to possess the minimum qualification laid down by the concerned state council of the teacher education. Now, question statement number 2. As per the RTE Act, the teacher of the primary classes, a candidate is required to pass teacher eligibility test conducted in accordance with the National Council of the Teacher Education guidelines. And statement number 3, in India, more than 90% of the teacher education institutes are directly under the state government. अब देखिए, ये तीन स्टेटमेंट दिया हुआ है राइट टू एजुकेशन एक्ट से संबंधित है, उसमें कि टीचर्स को बहाली को लेकर है, ठीक है जी। तो इसमें जो है क्वालिफिकेशन के बारे में बोला जा रहा है कि स्टेट काउंसिल ऑफ द टीचर एजुकेशन से संबंधित होना चाहिए, फिर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास किए होना चाहिए, फिर जो भी है सभी को मालूम है कि एजुकेशन्स हो गए जो है या स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, मतलब यह स्टेट सरकार मतलब राज्य सरकार के अधीनस्थ में यह कार्य करते हैं और उनके अधीनस्थ में इनकी बहाली होती है। इसके जो है बाद जो है हमारे चार ऑप्शन है, ए में है 1 and 2 ओनली, बी में है 2 ओनली, सी में है 1 and 3 ओनली, डी में है 3 ओनली। तो इन तीनों स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आप बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, मतलब सही है। इट्स कीवर्ड को पकड़िए, करेक्ट, इनकरेक्ट, ओनली करेक्ट। तो इन तीन स्टेटमेंट हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है जी। और इन तीनों स्टेटमेंट के बाद हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इन चारों ऑप्शन में से हमें एक सही उत्तर का चयन करना है। तो राइट आंसर होगा बी, मतलब टू ओनली, सिर्फ जो दूसरा स्टेटमेंट है वो सही है कि एज पर द राइट टू एजुकेशन जो कह सकते हैं एक्ट है, तो टीचिंग ऑफ द प्राइमरी जो क्लासेस है, कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू पास टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एंड कंडक्टेड इन द अकॉर्डेंस विद द नेशनल काउंसिल ऑफ द टीचर एजुकेशन गाइडलाइंस। क्वेश्चन के स्टेटमेंट नंबर सेकंड सही है और ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 देखें। कंसीडर द फॉलोइंग, पेयर्स में देखना है कि कौन कौन से पेयर सही है। ए मतलब वन, चापचार कूट फेस्टिवल, क्या यह मिजोरम स्टेट से बिलोंग करता है। दूसरा है खोनजाम प्रभा बलाद, क्या यह मणिपुर से बिलोंग करता है। और क्या है थैंग टा डांस, क्या यह सिक्किम से संबंधित है। तीन प्रकार की जो है हमारी परंपरा, हमारी हमारे राष्ट्र और राज्यों की जो संस्कृति है, और उसके बाद यहाँ तीन राज्यों के नाम दिए गए हैं। तो कौन जो यह संस्कृति है, यह संस्कृति किस राज्य से मेल खाती है, इसके बारे में लिखना है। और कौन कौन, तो इसमें चार ऑप्शन है, इसमें कि पेयर जो है वो कौन सा सही है। ए में है वन ओनली, बी में है 1 and 2, सी में है 3 ओनली, डी में है 2 and 3। तो कौन सा जो है वो सही होगा, तो सही उत्तर होगा इसका बी, 1 and 2। मतलब जो चापचार कूट फेस्टिवल है यह मिजोरम से बिलोंग करती है, और दूसरा है खोनजाम प्रभा बला जो है मणिपुर, और ये जो तैंग टा डांस है यह सिक्किम से संबंधित नहीं है, या किसी अन्य राज्य से संबंधित है, ठीक है जी। तो 22 का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, 1 and 2 ओनली। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 रिप्लेस्ड द प्रिवेंशन ऑफ द फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954। पहला स्टेटमेंट हम लोगों ने पढ़ लिया कि जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 है वो रिप्लेस करती है प्रिवेंशन ऑफ द फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954। दूसरा स्टेटमेंट है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI इज अंडर द चार्ज डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस इन द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो इन दोनों स्टेटमेंट में से फिर चार ऑप्शन दिए हैं, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन इज आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही है।
ए में है वन ओनली, बी में है टू ओनली, सी में है बोथ वन एंड टू, एंड डी में है नाइदर वन नॉट टू। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है, दो स्टेटमेंट आप लोगों ने पढ़ा, तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है? सही उत्तर होगा ए, ओनली वन सही है। और ये जो FSSAI है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत नहीं आती है, ठीक है जी। तो ये हमारा जो है ए सही होगा, वन ओनली। क्वेश्चन नंबर 24, द टर्म टू स्टेट सॉल्यूशन इज समटाइम मेंशन इन द न्यूज इज कॉन्टेक्स्ट टू द अफेयर्स ऑफ, जो दो ही राष्ट्र की जो नीति है किससे संबंधित है? चाइना, इसराइल, इराक और यमन। तो यह सिंपल सी बात है, टू स्टेट सॉल्यूशन, जिसने भी इसको समाचार में सुना होगा उसको पता होगा, यह इसराइल से संबंधित है। इसराइल और फिलिस्तीन के मध्य में जब भी कॉन्फ्लिक्ट होती है तो यही सॉल्यूशन की बात कही जाती है। अब हम 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। विथ रिफरेंस टू द प्रोविजन मेड अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो राष्ट्रीय सुरक्षा कह सकते हैं कि खाद्य सुरक्षा नीति है 2013 की, उससे संबंधित यहाँ तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं। उन तीन स्टेटमेंट के बाद यहाँ चार ऑप्शन हैं, ठीक है जी। तो हम लोग पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। वन नंबर में है, द फैमिली इज कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ द बिलो पॉवर्टी लाइन BPL ओनली आर एलिजिबल टू रिसीव सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स। जो BPL के अंतर्गत आते हैं सिर्फ उन्हीं को जो है सब्सिडाइज जो फूड ग्रेन मिलना चाहिए या मिलता है। दूसरा स्टेटमेंट है, द एल्डेस्ट वुमेन इन हाउस होल्ड ऑफ एज ऑफ 18 ईयर्स और अबव शैल बी हेड ऑफ द हाउस होल्ड फॉर द पर्पस ऑफ द इश्यूएंस ऑफ द राशन कार्ड। और जो एल्डेस्ट वुमेन रहेगी हाउस होल्ड की 18 साल से, वह उसे जो है कह सकते हैं कि हेड ऑफ द हाउस माना जाएगा इस जो है राशन कार्ड के अंतर्गत। तीसरा है, द प्रेगनेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स आर एंटाइटल टू टेक होम राशन ऑफ 1600 कैलोरीज पर डे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फॉर द 6 मंथ। और जो गर्भवती महिला है उन्हें प्रेगनेंसी के दौरान जो है 1600 कैलोरीज के पर डे के हिसाब से उन्हें 6 महीना तक राशन दिया जाएगा टेक होम राशन के अंतर्गत। तो कौन सा तीनों स्टेटमेंट में से सही है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए में है वन एंड टू ओनली, बी में है टू ओनली, सी में है वन एंड थ्री ओनली, डी में है थ्री ओनली। तो इन जो है कह सकते हैं कि तीनों स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आप इन जो है चार ऑप्शन को देखने के बाद आप पता लगाएं कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो बी होगा ओनली टू, द एल्डेस्ट वुमैन इन हाउस होल्ड ऑफ द एज ऑफ द 18 ईयर्स एंड अबव इज द हेड ऑफ द हाउस होल्ड फॉर द पर्पस ऑफ द इश्यूएंस ऑफ राशन कार्ड। ये जो है स्टेटमेंट जो है सही है, इसलिए उत्तर इसका बी होगा, ठीक है जी। ये हम लोगों ने देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। इंडिया इनएक्टेड द ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ द गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1999 इन ऑर्डर टू कंप्लाई विद द ऑब्लिगेशन टू द ILO, ए में है, बी में IMF, सी में है वो UNCTAD, एंड डी में है WTO। द जियोग्राफिकल मतलब जो GI टैग होते हैं, मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ द गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 है, यह जो है किसके ऑब्लिगेशंस को कंप्लाई करने के लिए इनेक्ट किया गया था भारत सरकार के द्वारा? तो उत्तर होगा WTO। जब भारत में लिबरलाइजेशन वगैरह हुआ उस वक्त बहुत सारे ऐसे मेजर्स उठाए गए जो कि अन्य इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशंस है उसके कह सकते हैं कि फंडिंग को लेते हुए उन्हें कह सकते हैं भारत को बाध्य किया गया कि आप ये ट्रैफिक्स टैरिफ्स रूल्स एंड रेगुलेशन में परिवर्तन करें तब आपको हम जो है सपोर्ट करें। तो WTO के अंतर्गत जो है कंप्लाई होने के लिए जो है उस वक्त जो है यह जो है एक्ट पारित किया गया। आगे क्वेश्चन नंबर 27, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट, यहाँ तीन स्टेटमेंट दिया हुआ, उसके बाद चार ऑप्शन है। इंडिया स्टेट्स गवर्नमेंट डू नॉट हैव द पावर टू एक्विजिशंस ऑफ नॉन कोल माइंस। नॉन कोल माइंस को जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है उसका नीलामी नहीं कर सकती है, इसके पास पावर नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट है, आंध्र प्रदेश एंड झारखंड डू नॉट हैव गोल्ड माइंस। क्या आंध्र प्रदेश और झारखंड के पास गोल्ड माइन नहीं है? और तीसरा है, राजस्थान हैज आयरन ओर माइंस। राजस्थान के पास क्या आयरन ओर माइंस है? तो इन तीनों स्टेटमेंट पढ़ने के बाद चार ऑप्शन है, ए में है वन एंड टू ओनली, बी में है टू ओनली, सी में है वन एंड थ्री ओनली, डी में है थ्री ओनली। इन तीनों स्टेटमेंट पढ़ने के बाद कौन सा स्टेटमेंट कह सकते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है और उस हिसाब से कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा? तो सही उत्तर होगा डी, थ्री ओनली, तीसरा में मतलब राजस्थान में आयरन ओर माइंस है। और इसके बाद जो हमारा आंध्र प्रदेश और जो झारखंड है, जो आंध्र प्रदेश और झारखंड उसमें कैसे, झारखंड में तो गोल्ड माइन है यह पता है, आंध्र प्रदेश में भी शायद होगा ही, ठीक है जी। इसके बाद जो है नीलामी के बारे में बात कही जा रही, तो स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ माइंस को जो है नीलाम करती है समय समय पर, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया है,
डिजिटल पेमेंट से संबंधित है, ठीक है जी। इसमें दो स्टेटमेंट है, फिर चार ऑप्शन है। भीम ऐप सभी को मालूम है, भीम ऐप जो मनी ट्रांजैक्शन से संबंधित है, यूपीआई इनेबल्ड बैंक अकाउंट्स में जो कह सकते हैं लिंक होता है, ट्रांसफर ऑफ मनी टू एनीवन, किसी को भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं। वाइल चिप पिन डेबिट कार्ड, चिप पिन जो डेबिट कार्ड होता है, जो एटीएम कार्ड होता है, फोर फैक्टर्स ऑफ ऑथेंटिकेशन, भीम ऐप हैज ओनली टू फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन, ठीक है जी। कहा गया है जो चिप पिन डेबिट कार्ड है उसमें फोर फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन होता है, लेकिन भीम ऐप में सिर्फ दो फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन है। दो पहला स्टेटमेंट हो गया, दूसरा स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट के आधार पर चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है वन ओनली, बी में है टू ओनली, सी में है बोथ 180, डी में है नाइदर वन नॉट टू। कौन कौन सा स्टेटमेंट सही होगा 28 नंबर में? तो सही सिर्फ ए है। और ये नंबर ऑफ ऑथेंटिकेशन जो है ये डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजैक्शंस के अलग अलग होते हैं, शायद भीम ऐप में भी मेनी फीचर्स ऑफ ट्रांजैक्शंस और फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन होगा, बट भीम ऐप से मनी ट्रांसफर होता है यूपीआई इनेबल्ड बैंक अकाउंट से, ये सभी को और सर्वविदित है, सब जानते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 जो है, इसमें कह सकते हैं अमंग द फॉलोइंग सिटीज विच वन लाइज ऑन द लॉन्गिट्यूड क्लोजेस्ट टू दैट ऑफ द दिल्लीज, कौन सा जो है वह दिल्ली के लॉन्गिट्यूड से सबसे नज़दीक है? ए में है बेंगलोर, बी में हैदराबाद, सी में नागपुर, डी में पुणे। मेरे हिसाब से जो है, क्या लगता है आपको? अब जल्दी सोचिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, तो बेंगलोर, क्योंकि बेंगलोर और दिल्ली, कर्नाटक दिल्ली, हैदराबाद इधर हो गया, नागपुर भी थोड़ा मतलब सेंटर में है, और पुणे भी कह सकते हैं कि इसके कह सकते हैं कि लॉन्गिट्यूड से मिलाएगा तो नहीं मिलेगा। तो इसका जो राइट आंसर है 29 नंबर का वह होगा ए, बेंगलुरु, कर्नाटक का बेंगलुरु जो है और दिल्ली मतलब मिला जुला के एक ही लॉन्गिट्यूड पे पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन 138 एंड 182 आर रिलेटेड टू चाइल्ड लेबर, बी में अडॉप्टेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस टू द ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, सी में है रेगुलेशन ऑफ द फूड प्राइसेस एंड द फूड सिक्योरिटी, एंड डी में है जेंडर पैरिटी एट द वर्क प्लेस। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ए, जो इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन ऑफ 138 है और 182 वह जो है बाल मजदूरी से संबंधित है। तो आज की क्लास में, आज के वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 30 तक जाना कि आखिर यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रारंभिक परीक्षा का जो है कह सकते हैं प्रश्न पत्र किस प्रकार से पूछा जाता है, यूपीएससी या आयोग के द्वारा प्रश्न पूछने के जो है तरीके क्या हैं, नंबर ऑफ कह सकते हैं क्वेश्चंस कैसे होते हैं, स्टैंडर्ड कैसा होता है, कॉम्प्लेक्सिटी लेवल कैसा होता है, किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये सब चीज़ें जो है हम तभी जानेंगे जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना है, मिलता हूँ अब अगले जो है जब हम अगले 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 31 से 40 तक उस वीडियो में। सो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऑल्सो प्रेस दी बेल आइकन। कोई क्वेरीज हैं, कोई कमेंट हैं, कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो डैट्स ऑल, थैंक यू वंस अगेन, हैव अ ग्रेट डे।